जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीटेट के रिगार्डिंग एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहें, जो आपके सीटेट की एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देर न करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वह है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह विचार किस विचारक ने प्रस्तुत किया था। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी विवेकानंद ने इसको कहा था कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बाल गंगाधर तिलक ने सन 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, पुष्यवती राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नरवर्धन। किसके द्वारा? तो नरवर्धन के द्वारा जो है आरंभ होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम खेल कहाँ आयोजित हुए हैं। तो प्रथम खेल जो है सर्वप्रथम दिल्ली में आयोजित हुए हैं। कहाँ पे हुए थे? तो दिल्ली में आयोजित हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो उसके सदस्य कौन होते हैं? तो राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासन के काल में हुआ था। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ था वह दोस्तों चंद्रगुप्त के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षेश सार का सदस्य नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जापान जो है दक्षेश सार का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैडम भिकाजी कामा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रामदास शर्मा जो है तबला वादक नहीं है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कलहर के द्वारा। अगला प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी खेल दिवस दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो किस अनुसूची में है? तो 9वीं अनुसूची में यह जो है अंतर्निहित है। अगला प्रश्न है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है। तो जेली बनाने में दोस्तों शर्करा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो शर्करा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त की गई हैं।
तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी केंद्र को दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो केसर दोस्तों जो है पुष्पवर्ती काग्र से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो पुष्पवर्ती काग्र से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश गए थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में इटली गए हुए थे। कहाँ पे गए हुए थे? तो इटली गए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वह महर्षि पाणिनि हैं। कौन है? पाणिनि जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया था? तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था? तो नवंबर 2014 में हुआ था। कब हुआ था? तो नवंबर 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन हुआ था। कब हुआ था? तो नवंबर 2014 में किया गया था। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।